वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से पुनः, 19 तारीख है और परीक्षा दिलवाने बीए पार्ट टू का आज पेपर फोर्थ है हिस्ट्री का। तो फाइनली मैं भी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 2 घंटा का समय लगेगा हमको एग्जाम सेंटर तक पहुँचने में। तो निकलते हैं यहाँ से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. दुख की बात है, मीठी किधर गई? देखिए कितना परेशान, इसको उल्टी आ गया। बच्चा है अभी ना, ये मन उदास हो गया। आज पूरा गाड़ी उदास से भरा पड़ा है। इधर देखिए, ये मेरा जो घड़ी है ये भी, और इनका घड़ी देखिए ये भी, दोनों आदमी का घड़ी जो है ये देखिए सेम है। इसका फेस देखिए। मीठी ठीक है ना? कोई दिक्कत भी है तुमको? मीठी कोई दिक्कत भी है? जोर से बोलो ना। मानो दास फाइनली चौमिन जो है पेट में चला गया है। अब इसको जो है एग्जाम हॉल में जाना है। देखिए कितना शरीर में फुर्ती आया है, चौमिन का कमाल। अब निकल रही है, जाओ हेल्पर सब साथ में जाओ, बॉडीगार्ड सब। देखिए बोनीता का पैर किधर न गिर गया है। अब दोस्तों पेन खोजने में परेशान, हाथ में 3 रुपया है उसका काम नहीं चलेगा। ये पर्स है, इसमें नील टुलपिन वगैरह भी रहता है। कहाँ है? अब की है दोस्तों, मिल गई, उस जेल पेन से लिखती है। दोस्तों बोंदिता परीक्षा देने जा रही है। आज बोंदिता बहुत खुश है क्योंकि इसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। ये मेरा भी घड़ी और ये इनका भी घड़ी, दोनों का घड़ी सेम। चलो फुटू उठा। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं। अभी हम लोग सहरसा में हैं, दीदी के घर पर हैं। पीछे आप जो देख रहे हैं दीदी है मीनाक्षी, जो बहुत ही ज्यादा हंसती है। इधर मनमीत है, एकदम शांत स्वभाव का है, सिर्फ इसके पास दोस्त ज्यादा है। अभी वो जो आप देख रहे हैं बैट बॉल वाला, वो इन्हीं का दोस्त है। गाइस अभी मैं दिवाड़ी में हूँ सहरसा। ये मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी मंदिर है। सारा बच्चा लोग है यहाँ पे देखिए, और इधर हम लोग जो है बीच में शंकर भगवान आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बच्चा लोग क्या क्या कर रहा है, ये देखिए। पीछे जो है मेरा बॉडीगार्ड सब है, मोटा बॉडीगार्ड, पतला बॉडीगार्ड, छोटा बॉडीगार्ड, बड़ा बॉडीगार्ड, जो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, जो खुद सुरक्षित नहीं है। दोस्तों एक झूला है जिसको हम लोग राम झूला बोलते हैं। अब ये देखिए ये परमानेंट यहाँ पे लग रहा है, यानी कि हमेशा यही लगा रहेगा टावर वाला। इधर मनमीत है और ये इधर मंदिर देखिए आप, रात के 7 बज रहे हैं। अभी राम झूला है और इसका सीट यहाँ पर है, अभी पेंट चल रहा है इसमें। आप देख सकते हैं ये नीचे लगा हुआ, ये सब उसमें सेट होगा। ये जो राम झूला आप देख रहे हैं इसमें सेट होगा और हमेशा ये झूला यहीं रहेगा। इधर देखिए खेलने वाला सब लगा हुआ है, ताकि लोग जो यहाँ मंदिर में पूजा करने आए तो बच्चा लोग अगर खेलने का मन हो, घूमने का मन हो, उछलने कूदकने का मन हो तो यहाँ आकर के अपना कर सकता है। ये देखिए सीढ़ी है मंदिर पे जाने के लिए, और इधर बच्चा लोग को देखिए आप। ये लोग अभी जो ऊपर देख रहे हैं, ये जो बच्चा लोग जो ऊपर जा रहा है, सब फोटो खिंचवाने के लिए जा रहा है। देखिए कितना बड़ा मंदिर है, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए आप। दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है, इसको हम लोग दिवाड़ी के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी मंदिर है, आप देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के। तुम लोगों का कैसा लगा? जोर से बोलो, बहुत अच्छा। बोलो भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय।